अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे साथ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर असद उमर हैं और उनसे हम इकॉनमी और PTI 100 कंप्लीट किया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि ये इलेक्शन से पहले असद उमर होता था मिस्टर असद उमर असद उमर साहब कह मैं तो असद उमर नहीं कहता था पहले भी। अच्छा मुझे एक फीडबैक चाहिए सबसे पहले व्यूअर्स से, ये कि 3 हफ्ते के बाद मैं वापस आया हूँ और अभी मुझे मैंने देखा मेरी बीवी ने ये पीछे दीवार बनाई, वो कह रही है बड़ा अच्छा वॉलपेपर है, मेरे घर में तो बिल्कुल चेचक ज्यादा दीवार लग रही है, उसका फीडबैक जरूर देना। अच्छा अब क्वेश्चन है, बड़े सारे सवाल है, आपको तो आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट करूंगा जो डॉलर का कल हुआ है, जो डॉलर पर गया है, आई थिंक ओवरऑल कोई 2.1% इंक्रीज आया है, बट जो फ्लक्चुएशन थी, इज इट गुड फॉर द इकोनॉमी, बैड फॉर द इकोनॉमी, एंड उस क्यों हुई, क्या रीजन है, अगर आप उस पर थोड़ा सा एलाबोरेट करें। दो मुख्तलिफ चीजें हैं, फ्लक्चुएशन जो है जो हुई वो इकोनॉमी के लिए अच्छी थी या बुरी थी, तो फ्लक्चुएशन तो अच्छी चीज नहीं होती फ्लक्चुएशन, लेकिन वो फ्लक्चुएशन जो है वो चंद घंटों की थी, उसका कोई ऐसा लास्टिंग इम्पैक्ट भी नहीं होता, बट वो अच्छी चीज नहीं है। वो तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो ऑपरेशनल लोग हैं वही बता सकते हैं कि क्यों फ्लक्चुएशन हुई। आपको पता है कि करेंसी मैनेजमेंट जो है, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट जो है, वो सेंट्रल बैंक करता है, वफाकी हुकूमत नहीं करता। जहां तक एक्सचेंज रेट का ताल्लुक है, देखो बात बिल्कुल सादा सी है, एक्सचेंज रेट क्या डिटरमिन करता है, वो उसके वैल्यू करेंसी की डिटरमिन करता है, और उसके जरिए जो आपकी मीशत के अंदर जितनी भी चीजें जो आप पैदा कर रहे हैं, जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कीमत भी सेट होती है। जब करेंसी को आप मस्नूई तरीके से नीचे रखते हैं, सॉरी ऊपर रखते हैं, यानी उसकी कदर जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है कि बाहर की जो मसनूआत हैं वो आपके मुल्क के अंदर सस्ती हो जाती हैं, और मुल्क के अंदर जो किसान है वो जो पैदावार कर रहा है ज़राअत में, या सनत जो पैदावार कर रही है वो महंगी हो जाती है, नस्बतन वो महंगी हो जाती है, और उसका मंतकी नतीजा ये होता है कि तजारत का खसारा बढ़ना चला जाता है। तो एक लिहाज से आप ये समझ लें कि आप जो है वो गैर मुल्की किसान को, गैर मुल्की सनतकार को, ताजर को सब्सिडी देते हैं पाकिस्तान के टैक्स पेयर के खर्चे पे, और आप अपने किसान के ऊपर और अपनी सनत के ऊपर एक टैक्स लगा देते हैं, आर्टिफिशियली एक्सचेंज रेट ज्यादा रखते हैं। वैसे सादा सी चीज है ना, अगर मेरा 1 रुपए एक्सचेंज रेट है और बाहर से चीज जो है वो 1 डॉलर की आती है, तो मुझे 1 रुपए की पड़ेगी, और अगर मेरा एक्सचेंज रेट 2 रुपए हो गया तो 2 रुपए की पड़ेगी, तो जितना रुपए की कदर कम होती है नस्बतन वो उससे उतनी बाहर की चीज महंगी हो जाती है। ठीक है, असर क्या होता है शॉर्ट टर्म में, असर जिस वक्त है वो तो मनफी होगा क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं, बहुत सारी चीजें जो है बराह रास्त डॉलर की कीमत से पैक्ड होती हैं, तेल हम ज्यादातर दरामद करते हैं, गैस की कीमत भी लिंक है, तो महंगाई के अंदर इजाफा होता है। बहुत सारी चीजें जो डायरेक्ट नहीं भी होती वो भी लोग हैं जो डॉलर बढ़ रहा है तो वो बढ़ा देते हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, और बड़ी रिसर्च इसके ऊपर की गई है इंटरनेशनल, ये तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, सारी दुनिया की ये पुरानी एक्सेप्टेड रिसर्च है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बीकन हाउस ने डॉक्टर हफीज पाशा के लीड में इस पर बहुत ज़बरदस्त काम किया है, और ज़रा सा मैं अगर आपको टेक्निकल बताऊँ, जो उन्होंने कोरिलेशन रन की है उस कोरिलेशन के मुताबिक हमारी जो इम्पोर्ट है, जो दरामदात हैं, उसकी नेगेटिव 0.4 और एक्सपोर्ट के साथ कोरिलेशन बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0.8 है, यानी अगर 10% एक्सचेंज रेट डिवैल्यू होगा तो 8% जो है एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, लेकिन ये टोटल लैग जो आता है ये 2 साल के अरसे के अंदर आता है। सो इन द शॉर्ट रन टू सम इट अप, इन द शॉर्ट रन महंगाई होती है तो मनफी उसका असर पड़ता है, इन द लॉन्ग रन आपके मुल्क की ज़राअत सनअत जो है वो कम्पेटिटिव होती है, और इसका जो सबूत अगर आपको रियल लाइफ में देखना है तो आप ये देख लें कि 4 साल जिस वक्त एक्सचेंज रेट होल्ड करके रखा हुआ था तो हुआ क्या, मीशत से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा
एक्सपोर्ट्स गिरती चली गई। आज तक पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं कि चार साल पांच साल लगातार एक्सपोर्ट गिरी हुई हो, और उसके नतीजे में क्या हुआ, एक्सपोर्ट गिरने से फर्क क्या पड़ा, लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, नई सनअतें तो लगना दूर की बात, लगी भी सनअतें बंद होना शुरू हो गई। ज़राअत किसान से पूछे वो कितनी मुश्किल के अंदर फंसा। आप इस वक्त गंदम पैदा करते हैं, ज्यादा पैदा हो जाती है तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि महंगी है पाकिस्तान के अंदर। आप चीनी पैदा करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि चीनी महंगी है। ये सब एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूएशन इसका एक हिस्सा है, सिर्फ उसकी वजह से नहीं, लेकिन ये उसका एक हिस्सा है। और उसका नतीजा क्या निकला कि वो जब चार साल की पॉलिसी बिल्कुल अनसस्टेनेबल होगी, तो ये मुस्लिम लीग नून के होते हुए पॉलिसी बदली थी। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की, तरीके साहब ने आगे नया काम नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी दिसंबर 2017 में, उन्होंने रोकी क्योंकि तेजी से गिर रहे थे जर मुबादला के जखायर, कर्जे बढ़ते चले जा रहे थे, तो फाइनली रुपए ने गिरना शुरू कर दिया। दिसंबर 2017 से जुलाई 2018 सात महीने के अंदर 23% डॉलर की कदर के अंदर कमी आई, 23% सात माह के अंदर। ना कोई हेडलाइन लगी, ना कोई शोर हुआ, ना सोशल मीडिया पे तूफान उठा, उससे 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ है, 25 जुलाई से आज 4.5 महीने के अंदर मजीद आप 128 से आप समझे, वो कह रहे साउंड नहीं आ रहा है, सब लोग कह रहे हैं, चेक कर लें उस पे, एक मिनट में चेक कर लेंगे, सही तो आ रहा आ रही है, चल चलता रहो। तो 128 से वो 137 पे कल क्लोज हुआ, तो 9 रुपए और इसका मतलब तकरीबन 7-7.5% जो है मजीद उसके अंदर कमी आई 4-4.5 माह के अंदर। तो एक्चुअली डिवैल्यूएशन की रफ्तार तो कम हो गई है जब से बीटीआई ऊपर गया है, आज 144 तक गया है, लेकिन वापस 137 तक आ गया। अच्छा, फ्लक्चुएशन जो है वो तो स्टेट बैंक गवर्नर से हम पूछ सकते हैं कि नहीं, कुछ इन्वेस्टिगेशन बात करा दें, लेकिन आम तौर पे आपने पहले भी देखा होगा जब मार्केट करेक्ट करती है तो उसमें जनरली ओवरशूट होता है और उसके बाद वो एडजस्टमेंट होती है नीचे, लेकिन ये स्टेट बैंक के ऑपरेशन लोग बता सकते हैं, स्टेट बैंक के गवर्नर से सवाल पूछा जा सकता है। सही, चलिए आई होप कि सबको जो डॉलर की और एक्सचेंज रेट का क्वेश्चन था उसमें एक मिनट हाँ, तो उसमें कोई एक तो हम बेहतर करेंगे उस सिस्टम को, लोगों के लिए इजी करेंगे, कोई करना भी चाह रहा वो भी डिटरमेंट होता है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें क्या मतलब आप सोचेंगे क्या हमने सिस्टम रन किए हुए, ये क्लाउड आए हुए कितने साल हो गए, 8-10 साल तो हो गए होंगे, वो सर्वर्स के ऊपर इस वक्त वो डेटा बेस क्यों है, जाहिर है ये चेंजेस जो है वो करनी है और इंशाल्लाह की जाएंगी। अच्छा, दूसरा एफबीआर से रिलेटेड बिकॉज क्वेश्चन है वो ये कि एक तो आप चले ये तो कर लेंगे, दूसरी चीज एफबीआर में आप लोग जब आए थे तो आपने टॉप जो आई थिंक पहले 300 टैक्स एविडेंस थे उनको नोटिस भिजवाए थे और उस स्टार्टिंग में भिजवा दिए थे, उस पे एक्शन कब होगा, उस पे क्या प्रोग्रेस है, क्या चीज होगी? 300 नहीं, हम 3000 तीन वेव्स में गए थे, 3100 जो बड़े डिफॉल्टर वो बाय डिजाइन था, हमारे पास डेटा तो लाखों का है, अगर मैं लाखों को एक साथ शुरू कर दूं तो सब कुछ रुक जाएगा, सिस्टम ही चौक हो जाएगा। तरीकेकार ये होता है, नोटिस जाता है, वो नोटिस के ऊपर एक टाइम पीरियड होता है, शायद 2 हफ्ते होता है जवाब देने के लिए, वो अगर जवाब ना दे तो उसके बाद दूसरा नोटिस जाता है, सो सो पर वो पूरा जो तरीकेकार है वो तरीकेकार ये साउंड थी, इससे तो मैं चीख तो नहीं सकता, इट विल साउंड अब्सर्ड, ठीक है जो कुछ और कर लो, आई कांट स्क्रीन, ठीक है ना, तो वो वैसे आई कैन स्क्रीन लेकिन इसका स्क्रीन करने का मूड नहीं हो रहा। तो वो पीरियड जो है ये पूरा पीरियड को लंबा चौड़ा एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पीरियड जो है वो नवंबर के आखिर तक खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब मेरी मंगल को एफबीआर के अंदर रिव्यू मीटिंग है और वहां पर अब हमने एक्शन के डिसीजन